हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल 2018 का ऑप्शन फॉर्म आप सभी का डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जो डिपार्टमेंट आपको चॉइस करने के लिए, जो फिल करने के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे जो फॉर्म भरा जाता है, वही आपका ऑप्शन फॉर्म होता है और वो जो है रिज़ल्ट आने के पहले ही एसएससी की साइट पर अपलोड कर दी गई है। अब उसे भरने के लिए प्रेफरेंस के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी सबसे पहले कुछ कुछ जनरल चीज़ मैं बताते चलूँगा कभी कभी वीडियो बना बना करके, कि आपको कौन कौन से चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। होता क्या है कि प्रेफरेंस फॉर्म को लोग ऐसे ही भर देते हैं, और मैं ये भी चीज़ मैं बोलूँगा कि आप प्रेफरेंस फॉर्म को अपने घर से ही भर कर लेके जाइए, और हो सके तो डेली एक एक डिपार्टमेंट के बारे में गूगल पर सर्च कीजिए और पता कीजिए कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है, किसकी ज्वाइनिंग कैसी, किसकी पोस्टिंग कैसी, कहाँ पर होती है और कौन कौन सा चीज़ वहाँ पर, मतलब कि फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। ठीक है, मैं वैसे लास्ट में डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से आपको प्रेफरेंस फॉर्म को भरना है, जिस जो कि प्रमोशनल एस्पेक्ट से होगा, वो अभी नहीं, जब आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा उस समय पर मैं बताऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी आज की इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ जानने का कोशिश करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट को हमें फिल करना चाहिए, और वो भी अपने हमें मेडिकल कंडीशन पे। होता क्या है, बहुत सारे लोगों को कलर ब्लाइंडनेस के बारे में नहीं पता होता है, तो हो सके तो आप अपने नज़दीक के कहीं पे भी हॉस्पिटल में जाएँ, आई के हॉस्पिटल में, और आप बस उनसे बोलिए कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जहाँ पर अगर आप कलर ब्लाइंडनेस अगर हो तो आपको वो जॉइनिंग नहीं करवाते हैं, और ये आपका खामियाजा भुगतना पड़ता है जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद। तो क्यों ना इस चीज़ को आप पहले से ही जान लीजिए ताकि आप ऐसा मिस्टेक कभी नहीं कर पाए। यहाँ पर आपको जो मैंने लिस्ट जो लेकर के आया हुआ है वो है आपका 5 मार्च 2019 का, और इसमें जो कि है आप सभी का था ओनली 40 डिपार्टमेंट, लेकिन आप ऑप्शन फॉर्म में देखोगे तो वहाँ पर 44 ऑफ चॉइसेस फिल करना है। ठीक है, तो यही चीज़ फिर से आप सभी का रिवाइज्ड होकर के आएगा, लेकिन यहाँ पर इसी लिस्ट के बेसिस में मैं आप सभी को मैं बता देता हूँ, ताकि आप सभी लोग बाद में देखिएगा उस चीज़ को और अच्छे से देखने के बाद वहाँ पर फिल कीजिएगा, क्योंकि अभी से कुछ कुछ चीज़ जब आप सभी को पता होगा तो आगे चल के किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा ईयर, ठीक है, ये कौन से ईयर के लिए वैकेंसीज निकला हुआ, फिर आपका पोस्ट LDC के लिए L होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए D होगा, ठीक है, ऐसा से करके है, फिर आपका यूअर मतलब जो अनरिजर्व्ड होता है जो, फिर आपका यहाँ पर उसके बगल में SC शेड्यूल्ड कास्ट, फिर ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, फिर आपका AWS भी है इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन, फिर टोटल, फिर एक्स सर्विसमैन, फिर जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी होती है, ठीक है, EXS OH HH VH अदर PH, फिर आपका ग्रेड पे ये लिखा हुआ 1900 1900, तीन तरीके का ग्रेड पे होता है, सॉरी दो तरीके का ग्रेड पे होता है, तीन तरीके का आपका पोस्ट होता है, ठीक है, एक 1900 ग्रेड पे और एक 2400 ग्रेड पे, 1900 ग्रेड पे LDC का और 2400 ग्रेड पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर पोस्टल असिस्टेंट और फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट का। अब आप देख सकते हो कलर ब्लाइंड, जहाँ जहाँ पे, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की बात है, जहाँ जहाँ पे यस लिखा हुआ है उस पोस्ट में अगर आप कलर ब्लाइंडनेस के शिकार भी अगर आप हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उस फॉर्म को आराम से, आप उस पोस्ट को आराम से फिलअप कर सकते हो, जॉइनिंग के समय पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, किसी भी मेडिकल कंडीशन पे आप सभी को अनफिट डिक्लेयर नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप वहीं पे देखते हो नो लिखा हुआ है, मतलब आपको इस पोस्ट को नहीं भरना है अगर आप कलर ब्लाइंडनेस अगर आप हो, और कलर ब्लाइंडनेस को जानने के लिए अपने आसपास के किसी भी आई हॉस्पिटल में जाएँ, आई क्लिनिक में जाएँ, और वहाँ पर अगर आप जैसे ही बोलते हो वो आपको एक किताब पढ़वाते हैं, और उस किताब को पढ़वा करके ही आपका पता लगा लिया जाता है कि आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं। तो यहाँ पर मैं एक एक पोस्ट को लेकर के मैं बताते चलता हूँ। सबसे पहला आप देख रहे होगे कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट MOD जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, कलर ब्लाइंडनेस नीचे आपको लिखा हुआ यस, मतलब आपको होगा भी कलर ब्लाइंडनेस तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप वही देखोगे CGDA मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, यहाँ पर
आपका नो लिखा हुआ, यहाँ पर आपका नहीं चलने वाला है। फिर आप वही देखोगे सी ए टी कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, तो यहाँ पर आपका नो लिखा हुआ है। फिर आप देखोगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सी बी आई, और सी बी आई में आपका नो लिखा हुआ है। नो वाले जितने भी सारे हैं मैं आपको एक बार दिखाते चलता हूँ। फिर आप देखोगे आपका आई बी के अंदर भी नो लिखा हुआ है। फिर आप देख सकते हो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में भी नो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप यहाँ भी फिर देखोगे 15th नंबर पॉइंट पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, यहाँ पे भी आप सभी का नो लिखा हुआ है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविलियशन, ठीक है, यहाँ पे भी आप सभी का नो लिखा हुआ है। ओके, इन सभी पोस्ट को आप फिल करते वक्त ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ पे आपका नो लिखा हुआ है वहाँ पर अगर आप कलर ब्लाइंडनेस अगर आपके पास है तो प्लीज़ उन सभी पोस्ट को भरने से बचिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में भी नो लिखा हुआ है। उसके बाद आप फिर देख सकते हो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर DGHS, इसमें भी आपका नो लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये सब कोई सभी कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी आपका नो ही लिखा हुआ है। फिर आप देख सकते हो 28th नंबर पॉइंट पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब MOSPI, मोस्पी जैसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसमें भी आपका नो लिखा हुआ है। फिर आप देख सकते हो 30th नंबर पॉइंट पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, तो टूरिज्म में भी आप सभी का नो लिखा हुआ है। फिर आप वही देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का, इसमें भी आपका नो लिखा हुआ है। फिर आप देख सकते हो राजभाषा विभाग MHA CTV, इसमें भी नो, और स्टार जनरल ऑफ इंडिया नो। आपको एक और बात मैं बता देता हूँ, इस पर चार डिपार्टमेंट LDC की और जुड़ा हुआ है, और वो जो एडेड डिपार्टमेंट जो की है आप सभी का जो रिवाइज्ड वैकेंसीज आएगा, अभी फिर से वो वैकेंसीज आने वाला है, और वो वैकेंसीज अप्रोक्स आप सभी का जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट पहले वो वैकेंसीज डिक्लेयर करे जाते हैं, तो आप उसका ही वेट कर लीजिए। और उस समय पे भी वो आपका मतलब कि उसमें भी चार डिपार्टमेंट जो ऐड जो होंगे उसमें भी आपका लिखा हुआ रहेगा किस में आपका चलने वाला है कलर ब्लाइंडनेस का पोस्ट और किस में नहीं, तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं उस समय पर ही वीडियो बना करके आप सभी को ज़रूरी बताऊँगा, ठीक है। फिर आप वहीं फिर देखते हो 37th नंबर पॉइंट पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसके अंदर के पोस्टल असिस्टेंट या सोर्टिंग असिस्टेंट लोग काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपका इसी में होता है, 3880 पोस्ट पूरा मिला करके, जिसमें कि यूआर कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 1999 पोस्ट हैं। तो इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस में यस आपका लिखा हुआ, मतलब कि वो सभी लोग भी इसे फिल कर सकते हैं। फिर आप वही आते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट का, तो एक CAG आपका एक है जिसमें कि नो लिखा हुआ है, और उसमें वैकेंसीज भी पूरा मिला के टोटल 50 हैं। अगर यही वैकेंसीज रह जाएँ तो ठीक है, वरना फिर ये भी दिक्कत वाली ही बात होगी आप सभी के लिए। फिर आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है, उसमें भी आपका कलर ब्लाइंडनेस नो लिखा हुआ, मतलब वो लोग फिल नहीं कर सकते। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आपका हो गया 2400 ग्रेड पे का आपका पोस्ट है, जिसमें कि आपका यस लिखा हुआ वो लोग आपका फिल कर सकते हैं, जिसमें कि पूरे मिलाकर के आपका 3 वैकेंसी है, पूरे मिलाकर के आपकी वैकेंसी 5789 है, ठीक है। तो इसी बात को बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया था। एक बार फिर से रिवाइज वैकेंसीज या फाइनल वैकेंसीज तो आपका फाइनल रिजल्ट के समय पे ही आता है, लेकिन रिवाइज वैकेंसीज एक बार और आएगा तो जिसमें कि 44 डिपार्टमेंट लिखे हुए होंगे, उस समय पे भी मैं वीडियो बना करके आप सभी को अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। लेकिन इसको मैंने बता दिया ताकि आपको आगे चल के ध्यान ना भी रहे तो अभी आपका ध्यान पड़ जाता है और इस चीज़ का आप चेकअप करा सको। आपके पास समय है, टाइम है, आप कलर ब्लाइंडनेस हो या नहीं जा करके चेक करवा लें, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे लास्ट करना चाहूँगा, और यही बात कहूँगा कि जो भी लोग वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, ठीक है, अभी मैंने पहले से ही बोल रखा था आप सभी को कि आप सभी को अपने CGL 19 और CHSL 19 पे फोकस रखना है। रिजल्ट जब आना होगा तब आ जाएगा, ठीक है, और इस चीज़ का आप वेट करें। आशा करूँगा ये वीडियो से अगर आपको किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करोगे, दोस्तों के बीच में शेयर करोगे, और चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करोगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, चलता हूँ मैं, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।